हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे, उप विषय स्वतंत्रता की ओर। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, उचित शब्द छांट कर खाली स्थान भरिए। पहला करते हैं, गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की डैश के लिए लड़ रहे थे, तो यहाँ हम लिखेंगे स्वतंत्रता। दूसरा, गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात से पैदल चलते हुए डैश नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुँचे, तो यहाँ हम लिखेंगे दांडी। तीसरा, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ डैश के जुलूस निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सत्याग्रह। चौथा, डैश आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता था, तो यहाँ हम लिखेंगे साबरमती। पांचवा, वह एक पेड़ के नीचे बैठकर डैश कात रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे चरखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, धनी कौन था? आश्रम में वह क्या काम करता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, धनी 9 साल का एक बालक था और उसका काम बिन्नी नाम की एक बकरी की देखभाल करना था। प्रश्न 2, आश्रम में किसकी योजना बन रही थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आश्रम में सत्याग्रह की योजना बन रही थी। नमक पर कर के विरुद्ध दांडी जाकर नमक बनाने की योजना आश्रम में चल रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, धनी कहाँ जाने की जिद कर रहा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, धनी गांधी जी के साथ दांडी जाने की जिद कर रहा था। प्रश्न 4, गांधी जी दांडी यात्रा पर क्यों जा रहे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, गांधी जी नमक पर कर के विरुद्ध आंदोलन कर नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा पर जा रहे थे। प्रश्न 5, गांधी जी ने धनी को आश्रम में ही रहकर क्या करने के लिए कहा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, बिन्नी की देखभाल करने के लिए कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलान करो। पहला, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मिलान करेंगे सत्य के लिए आग्रह, सत्य पर डटे रहना से। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा का मिलान करेंगे किसी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना से। तीसरा, चरखा का मिलान करेंगे एक यंत्र जिससे सूत काता जाता है से। चौथा, खादी। खादी का मिलान करेंगे हाथ या करघे की सहायता से सूत से बना कपड़ा, खद्दर से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, गांधी जी ने धनी को समझाया कि वह आश्रम में रहकर भी देश की सेवा कर सकता है। आप भी सोचकर बताइए कि आप क्या-क्या काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। एक वीडियो बनाकर अथवा लिखकर अपनी बात शेयर करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन तरीकों के बारे में बताना है जिनसे आप भी देश की सेवा कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई वीडियो बना सकते हैं या अपनी बात को लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला, माता पिता व अध्यापकों का कहना मानकर। दूसरा, पढ़ लिखकर अच्छा नागरिक बनकर। तीसरा, स्वयं सफाई रखना एवं दूसरों को गंदगी फैलाने से रोककर। चौथा, नियमों का पालन करके। इत्यादि हम देश की सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।